हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के लर्निंग हाउ। टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बताया ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है, वो हम यहां पर सीखेंगे। सो ट्रांजिटिव वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे डिफाइन होगा जहां पर आपको वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर वहां पर है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शो होता है इट मींस वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्स रहती है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होना कंपल्सरी है, विदाउट ऑब्जेक्ट जो है इसका सेंस कंप्लीट नहीं होता है। सो इट हैज अ ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स, प्ले, सिंग, कुक, राइट, पे एक्सेट्रा। सो कैसे आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, इन सेंटेंसेस के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। आई प्ले द क्रिकेट, सो हियर प्ले इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज अ ऑब्जेक्ट विच इज क्रिकेट। सो मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम ये कहना चाहें जो आपकी मेन वर्ब है, जो आपका वर्ब है, अगर आप उसमें क्या प्रश्न करते हैं, अगर आप क्या प्रश्न करते हैं और आपको उसका उत्तर मिल जाता है। इफ यू क्वेश्चन ऑन वर्ब, सो देन वी गेट द ऑब्जेक्ट, सो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर मैंने बोला प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो प्ले यानी मैं क्या खेलता हूं, खेलता हूं क्रिकेट खेलता हूं। इसी तरीके से नेक्स्ट है सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, तो वह गाती है, क्या गाती है, गाना गाती है। हमने सिर्फ वर्ब पे क्वेश्चन करना है। ओके, वर्ब पे हम क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से शी कुक्स द फूड, वह खाना बनाती है, तो वह पकाती है, क्या पकाती है, खाना पकाती है। यू राइट अ लेटर, वह पत्र लिखता है, सो राइट यहां पर वर्ब है मेन, लिखता है, क्या लिखता है, लेटर। सोनम पेज हर बिल्स ऑन टाइम, पे हो रहा है यहां पर, क्या पे हो रहा है, बिल। सोनम समय पर अपना बिल जमा करती है, ठीक है। तो यहां पर पे क्या है आपका, ट्रांजिटिव। तो इन एग्जांपल्स में हमने देखा जो आपका प्ले, सिंग्स, कुक, राइट, पे, इन पर जब हम क्या क्वेश्चन करते हैं तो इनका हमें एक आंसर निकल के आता है, एक आंसर मिलता है, यानी इनका एक ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जो कि इस वर्ब का इस ऑब्जेक्ट से जो है डायरेक्ट कनेक्शन है, ये इसे जुड़ा हुआ है, इसके बिना ये इनकम्प्लीट रहेगा। सो इसलिए ये जितने भी हैं आपके, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट अगर इसका क्या करने पे उत्तर नहीं आ रहा तो ये डायरेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर हमें डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट आंसर मिला है, इसलिए हम इसको, ये जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। सो इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं, जैसे कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा था, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बिल्कुल अपोजिट होता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां पर हमने पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो आपको इन सेंटेंसेस में भी मिलेगा, जो जहां पर ये वर्ब्स होंगे इनके भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, पर जो इनका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका उस वर्ब से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, मींस कि उसके बिना भी, उस ऑब्जेक्ट के बिना भी वो सेंटेंस जो है कम्प्लीट रहेगा, एक तरीके से कम्प्लीट सेंस निकलेगा उसका। तो इट इज अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, इट हैज नो रिक्वायर्स ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती, विदाउट ऑब्जेक्ट भी ये कम्प्लीट सेंस रखता है, और अगर इसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट नजर भी आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता उस वर्ब से। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है, जैसा हमने ट्रांजिटिव वर्ब में सीखा था, तो ये बिल्कुल अपोजिट है।
जैसे हमने बताया आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम क्या क्वेश्चन करते हैं उस वर्ब पर, उस मेन वर्ब पर अगर हम क्या प्रश्न कर देते हैं तो उसका आंसर निकल के आ जाता है, उसका उत्तर हमें मिल जाता है। बट यहीं पर उसी का अपोजिट क्या, अगर हम उसमें क्या प्रश्न करेंगे उस पर, उसके मेन वर्ब पर अगर हम क्या प्रश्न करते हैं तो हमें उसका आंसर डायरेक्टली नहीं मिलता है। हमें प्रश्न सिर्फ क्या ही करना है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि क्यों कब कहां कुछ भी कर लेना है, सिर्फ क्या प्रश्न करना है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, गो, रन, डांस, क्रॉल, फॉल एक्सेट्रा। सो दीज आर द इनट्रांजिटिव वर्ब्स। सो हियर आर सम एग्जांपल्स, तो यहां पर कुछ सेंटेंस के थ्रू हम इसे समझेंगे। I go to park. So, मैं पार्क जाता हूं। तो अगर यहां पर आप go देख रहे हैं जो मेन वर्ब है, इसमें क्या प्रश्न करते हैं, मैं क्या जाता हूं, तो कोई आंसर निकल के नहीं, क्या जाता हूं तो पार्क जाता हूं तो आंसर नहीं आएगा। पार्क आंसर तो तब आएगा जब हम बोलेंगे मैं कहां जाता हूं, बट हमें क्वेश्चन कहां, क्यों, कब, कैसे नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या प्रश्न करना है। मैं क्या जाता हूं तो आंसर नहीं निकल रहा, बट आई गो टू पार्क, ये यहां पर इसका ऑब्जेक्ट है टू पार्क, बट ये जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन, कोई इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी रन फास्ट, तो हम तेज दौड़ते हैं, तो यहां पर क्या दौड़ते हैं, तो यहां पर क्या दौड़ने से ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा। शी डांसेस वेल, वह अच्छा नाचती है, तो यहां पर क्या नाचती है, तो क्या नाचती है, मैं भी इसका देख रहे हैं आप, कोई आंसर नहीं निकल जाए। एंड द बेबी क्रॉल्स, यहां पर भी नहीं निकलेगा, बेबी क्या क्रॉल, बेबी क्या करता है, सॉरी बेबी क्रॉल्स, यहां पे क्रॉल्स है, यहां पे सॉरी क्रॉल यहां पर वर्ब है, तो क्रॉल क्या करता है, कोई आंसर नहीं निकल रहा है। वैसे भी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता भी तो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं होता, और ना ही वो उसका इस क्वेश्चन पे क्या करने से उसका आंसर होता। दे फॉल डाउन ऑलवेज, सो यहां पर भी आप देख रहे हैं फॉल जो वर्ड है, इसका भी कोई वे क्या गिरते हैं, वे हमेशा क्या गिरते हैं, तो भी आंसर नहीं निकल रहा है क्या गिरते हैं। तो क्या जाता है, क्या करता है, सॉरी क्या जाता है, क्या दौड़ता है, डांस करेगा, क्या नाचता है, क्या क्रॉल करता है, क्या फॉल करता है, तो ये इस तरीके से इनके ऑब्जेक्ट्स नहीं मिल रहे हमें डायरेक्टली। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है बट नहीं है, पर वो उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो दीज आर इनट्रांजिटिव वर्ब। सो बहुत ही सिंपल सा था, अगर हम क्या प्रश्न करने पर, वर्ब में क्या प्रश्न करने पर उत्तर निकल जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब, और क्या करने पर उत्तर ना निकले तो इनट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।